फाइव ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमको कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर से एक नेगेटिव इंटीजर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या उसका आंसर दो पॉजिटिव इंटीजर के एडिशन के बराबर आएगा या नहीं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्शन में लाएंगे तो उसका आंसर दो पॉजिटिव इंटीजर के एडिशन के बराबर आएगा या नहीं, इस चीज को हमें वेरीफाई करके दिखाना है क्वेश्चन में. तो मैं पार्ट वन से स्टार्ट करूंगा. क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इज 18. क्वेश्चन में वैल्यूज जो दी हुई हैं, ए इज इक्वल टू 21 और बी इक्वल टू 18, इन दो वैल्यूज के लिए इस स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो ए इज इक्वल टू 21, ए और बी की वैल्यू मुझे इस स्टेटमेंट में पुट अप करनी पड़ेगी. सो ए इज इक्वल टू 21 माइनस, देखिए क्वेश्चन में हमें जो पार्ट वन में दिया हुआ है बी की वैल्यू, पार्ट वन में बी की वैल्यू जो दी हुई है पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, जबकि जो स्टेटमेंट है उसमें बी को कैसे बोला गया है कि एज अ नेगेटिव ट्रीट करना है. सो माइनस 18 किसके बराबर हो जाएगा, ए 21 प्लस 18 के बराबर हो जाएगा. स्टूडेंट बात सही है ना, अब इसे सॉल्व करते हैं. क्या हो जाएगा 21 ओके माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18 ओके 21 प्लस 18 हाउ मच 39 एंड दिस विल ऑल्सो बी 39. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया 39 और राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इज 39. सो हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. ठीक है स्टूडेंट बात समझ आई. इन दो वैल्यूज के लिए, वैल्यू ए और वैल्यू बी के लिए हमें ये जो अबव कंडीशन थी उसे वेरीफाई करना था. तो हमने देखा कि ए यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर को में से एक नेगेटिव इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका आंसर भी सेम आने वाला है, किसके, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को सम अप करा जाए, ऐड करा जाए. ठीक है सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ओके. कॉपी पेन लेके बैठा करें आप ताकि जो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूं वो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करते चले ताकि आपका एक नोट भी बनते रहे. क्वेश्चन नंबर एक का एक पार्ट और मैं आपको करा देता हूं, बाकी जो दो पार्ट होंगे वो आपका आज का होमवर्क रहने वाला है ओके. सो मैं पार्ट थ्री मैं आपको करा देता हूं और जो पार्ट सेकंड और पार्ट फोर्थ है वो आपका होमवर्क रहेगा. सो पार्ट थ्री में वैल्यूज क्या है, ए इज इक्वल टू 75, ए इज इक्वल टू 75 और बी इज इक्वल टू 84. इन दो वैल्यूज के लिए आपको अबव कंडीशन को वेरीफाई करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ए इज इक्वल टू 75 माइनस माइनस फिर से वही बात. क्वेश्चन में हमारा बी कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, बट हमारा स्टेटमेंट में बी कैसे ट्रीट करना है हमें, एज अ नेगेटिव. सो माइनस 84 किसके बराबर, ए प्लस बी यानी के 75 प्लस 84 चलिए आगे बढ़ते हैं. 75 माइनस माइनस अगेन प्लस किसके 84 ओके और राइट हैंड साइड में भी 75 प्लस 84. चलिए जल्दी से सम अप कर लीजिए, 75 प्लस 84 कितना होगा, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 और 7 और 8 15. सो 159 लेफ्ट हैंड साइड आ गया और अगेन 75 प्लस 84 इज अगेन 159. सो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू
आर एच एस। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि हमने दो पार्ट करे, पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर थ्री। क्या बोला गया था कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। सो हमने ए और बी के लिए दो पार्ट में देखा कि दोनों स्टेटमेंट आपकी प्रूफ हो रही है, यानी कि एलएचएस हमारा किसके बराबर आ जा रहा है, आरएचएस के बराबर आ जा रहा है। यानी कि मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर में से एक नेगेटिव इंटीजर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसका आंसर आने वाला है दो पॉजिटिव इंटीजर के एडिशन के बराबर। ठीक है, सो क्वेश्चन एट का पार्ट वन और पार्ट थ्री मैंने आपको करके दिखाया, पार्ट टू और पार्ट फोर आपका होमवर्क है और आपको करके ही लाना है, करके लाना है। और आप जो भी आपके आंसर आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे ताकि मैं देख सकूं किस किसने जो क्वेश्चन है सही किए हुए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन फोर और क्वेश्चन टू, क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट फोर और पार्ट टू आपका होमवर्क है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। चलिए साथ में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर लेसर और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। बोला है कि आप ग्रेटर का साइन यूज करें, लेस देन का साइन यूज करें और इक्वल का साइन यूज करें स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन में देख लेते हैं। क्या है, माइनस एट प्लस फोर, माइनस एट प्लस माइनस फोर, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके अपोजिट साइड में क्या है, माइनस एट माइनस माइनस फोर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट वन यही है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए आप मुझे इन तीनों साइन में से एक साइन यहां पर पुटअप कर दीजिए ताकि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माइनस एट माइनस एट, प्लस माइनस 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 फोर, माइनस एट माइनस फोर, फिलिंग द ब्लैंक्स, माइनस एट माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सो प्लस फोर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं, माइनस एट माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, सो एट प्लस फोर इज ट्वेल्व, बट साइन किसका, माइनस का, वेरी गुड। ओके, और माइनस एट प्लस फोर प्लस माइनस माइनस, एट माइनस फोर इज फोर, साइन किसका, माइनस का, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। क्यों होगा साइन माइनस का, क्योंकि एट इज ग्रेटर देन फोर और जो बिग नंबर के साथ, जो बड़े नंबर के साइन के साथ साइन होता है वही साइन हमारा आंसर में आता है। सो माइनस फोर माइनस ट्वेल्व। अब हमें बताना है कि इन तीनों साइन में से, ग्रेटर लेसर और इक्वल्स टू के साइन में से कौन सा साइन यहाँ पर पुट किया जाए ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। चलिए, अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी, नहीं होगी, क्योंकि माइनस ट्वेल्व किसके बराबर नहीं है, माइनस फोर के बराबर नहीं है, सो इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा यहाँ पर। चलिए, क्या मैं यहाँ ग्रेटर का साइन लगाऊंगा तो ट्रू होगी, क्या मैं ग्रेटर का साइन लगाऊंगा तो क्या स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी हमारी। देखिए, माइनस ट्वेल्व और माइनस फोर, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जिस नंबर, जो जितना बड़ा नंबर होता है, जितना बड़ा नंबर साइन माइनस के साइन के साथ नंबर होता है, मतलब जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। कहने का मतलब क्या है कि माइनस ट्वेल्व है तो ट्वेल्व फोर से बड़ा होता है नॉर्मली, बट यहां पर क्या है कि जो ट्वेल्व है वो माइनस के साथ है, तो भले ही बड़ा नंबर हो बट अगर उसके साथ माइनस का साइन आ जाए तो वो वैल्यू, वो नंबर वैल्यू में उतना ही छोटा होता है। सो माइनस ट्वेल्व इज लेसर देन माइनस फोर, मतलब कहने का कि माइनस ट्वेल्व जो है माइनस फोर से छोटा होगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया है तो क्या स्टेटमेंट ट्रू हो गई, नहीं हुई, क्योंकि माइनस ट्वेल्व माइनस फोर से बड़ा नहीं होता। ठीक है ना, सो स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए कौन सा साइन आ जाएगा, लेसर का, मतलब कि माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व, तभी तो स्टेटमेंट ट्रू होगी कि माइनस फोर किससे बड़ा होगा, माइनस ट्वेल्व से। और हमें पता भी है कि जितना बड़ा नंबर होगा माइनस के साइन के साथ उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। सो यहां पर माइनस ट्वेल्व है, कहने को ये नंबर बड़ा है बट यहाँ पे साइन किसका लग गया, माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। और माइनस फोर
नंबर फोर जो है छोटा है बट माइनस के साथ उतनी ही उसकी वैल्यू बड़ी हो गई. सो इसलिए स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए लेसर का साइन आएगा, यानी कि माइनस ट्वेल्व इज लेस देन माइनस फोर. माइनस फोर से छोटा होता है माइनस ट्वेल्व. ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका एक पार्ट में और करवा लेता हूं आपका, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो भी आपके होमवर्क होने वाले हैं, वो भी आपके होमवर्क होने वाले हैं, ठीक है ना. फिर मैं आपको होमवर्क नोट डाउन कराऊंगा कि आज की क्लास में मैंने आपको कितना होमवर्क दिया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके होमवर्क में है. चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर ई कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ई मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल फील करें. सो इसलिए क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट ई मैं आपको पहले करा देता हूं. क्या होगा, माइनस टू थ्री वन प्लस सेवन नाइन प्लस फिफ्टी वन, फिल द ब्लैंक्स, माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81. चलिए अब इन तीनों साइन में से कौन सा साइन मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा ताकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड की बात करेंगे. सो माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51. पहले 79 और 51 को हम ऐड कर लेते हैं, माइनस 231. चलिए ऐड कर लीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज 10, 10 0 कैरी 1, कैरी 1, सो 5 प्लस 1 6 और 7 13, कितना हो गया 130. 79 प्लस 51 इज 130. फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन 399 प्लस कर लेते हैं 159 प्लस 81 को, सो 9 प्लस 1 इज 10, 0 कैरी 1, 81 प्लस 9, 9 प्लस 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2, 1 प्लस 1 2, सो 240. 159 प्लस 81 इज 240. नेक्स्ट मूव करते हैं, अब क्या करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. ओके, माइनस प्लस माइनस, सो 231 माइनस 130 कितना हो जाएगा, जल्दी से करिए नोटबुक में अपनी, 231 माइनस 130 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 101, ठीक है. बट किसका, प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, वेरी गुड, माइनस का, क्योंकि 23 इज ग्रेटर देन 130 और साइन जो है 23 के साथ माइनस का है, सो इसलिए माइनस का 101. ओके चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, 399 माइनस 240, 399 माइनस 240 जल्दी से कर लेते हैं, 399 माइनस 240. माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस. ओके, सो 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 4 इज 5 और 3 माइनस 2 इज 1, सो 159. कितना आंसर आ गया, 159. प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, बहुत बढ़िया, माइनस का, माइनस का 159. ओके चलिए अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे ग्रेटर वाला फॉलो होगा, यहाँ पे लेसर वाला फॉलो होगा, यहाँ इक्वल वाला फॉलो होगा कि हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाए. चलिए एक एक करके देख लेते हैं, पहले इक्वल वाला लगा लेते हैं. इक्वल वाले के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू हो जा रही है, इक्वल वाले साइन के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो जा रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस का 101 और यहाँ क्या है माइनस का 159. इक्वल के लिए कब ट्रू होती कि इधर भी माइनस का 101 होता और इधर भी माइनस का 101 होता, सो इक्वल के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है. ओके चलिए क्या ग्रेटर के लिए इक्वल ट्रू हो रही है, ग्रेटर वाले साइन के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये ट्रू हो रही है स्टेटमेंट ग्रेटर वाले साइन के लिए, वेरी गुड, ये बिल्कुल ट्रू है, ग्रेटर वाले साइन के लिए ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. क्यों, क्योंकि क्योंकि माइनस 101 और यहां पर है माइनस 159. ओके, सो माइनस 101 इज ग्रेटर देन ना 159, माइनस 101 इज ग्रेटर देन माइनस 159. क्यों, क्योंकि क्योंकि
माइनस 159 क्या होगा कि ये साइन जो है माइनस का है, तो वैल्यू जो है 159 बड़ी होती है नॉर्मली, बट क्या है माइनस के साथ है तो इसलिए ये छोटी होगी, किससे, माइनस का 101 से, इसलिए ये माइनस का 101 से छोटी होगी। ओके, सो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, किसके लिए, ग्रेटर साइन के लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 9 की हमने बात करी, इसमें पार्ट वन, पार्ट ए और पार्ट ई हमने किया है, पार्ट ए और पार्ट ई हमने किया है, और पार्ट बी सी डी आपका होमवर्क होने वाला है। मैं क्लास के एंड में बताऊंगा क्या क्या होमवर्क है, पहले क्लास को कंप्लीट कर लेना है। ओके ओके, सो पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन कि अगर एक्सरसाइज 1.1 से कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने वाला है, सो प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है इस क्वेश्चन के आने की कि आप मतलब ये देखोगे कि सर ने बोला था कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो पहले रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। ओके ओके, पहले रीड कर लेते हैं। अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वॉटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। पहले जो पहली स्टेटमेंट है उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये कोई वेल है, ठीक है ना, वेल, कोई वेल है, ये कोई कुआ है, और चलिए मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देते हैं कि ये कोई वाटर टैंक है, ठीक है, ये एक बड़ा सा वाटर टैंक है, वाटर टैंक। इसमें क्या है कि पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या है कि स्टेप्स है, जो स्टेप्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कितने स्टेप्स है टोटल, 9 स्टेप है। पहले स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में क्या है, स्टेप्स बने हुए हैं, जो कि स्टेप्स अंदर की तरफ जा रहे हैं वाटर टैंक में, और वाटर टैंक में जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल जो आया हुआ है वो 9th स्टेप पे है, ये वाटर लेवल है, ये 9th स्टेप जो है यहां पर क्या है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल कहां पर है, 9th स्टेप पर, ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, और ये 9th स्टेप है, 9th स्टेप, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो दी हुई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसका मतलब ये है कि एक वाटर टैंक है जिसमें कि जो है एक स्टेप बने हुए हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वाटर टैंक में, और वो जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है, और जो मंकी बैठा हुआ है वो फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। प्लीज डोंट माइंड फॉर माई ड्रॉइंग। ओके, सो ये मंकी बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेप पे, वाटर लेवल जो है 9th स्टेप पे। पहले पार्ट की तरफ बढ़ते क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला पार्ट क्या कह रहा है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। क्या बोल रहा है कि मंकी क्या कर रहा है कि पहले जंप में 3 स्टेप नीचे आ जा रहा है और दूसरे जंप में 2 स्टेप ऊपर चला जा रहा है। ओके, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, पूछा गया है कि मंकी पहले जंप में
तीन स्टेप नीचे आ जा रहा है और दूसरे जंप में वो दो स्टेप पीछे चला जा रहा है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ जंप्स में वो वॉटर लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा क्या है कि मंकी यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, वो पहला जंप लेगा, पहला जंप लेगा तो पहले 1 2 3 तीन स्टेप नीचे आ गया, पहले जंप में 3 स्टेप्स वो नीचे आ गया, सो फर्स्ट जंप में 3 स्टेप नीचे आया, ओके, सेकंड जंप में 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 2 स्टेप ऊपर जाएगा मतलब 1 2 ये ऊपर जाने के लिए है स्टेप, ये नीचे आने के लिए है स्टेप, ओके, 1 2 3 नीचे आया 3 स्टेप पहले जंप में, सेकंड जंप में 2 स्टेप ऊपर गया, सो मंकी अब यहां पर सिट कर रहा है, मंकी इज हेयर। दो जंप के बाद मंकी अब यहां पर आ गया, क्यों? क्योंकि पहले जंप में 3 स्टेप नीचे गया और दूसरे जंप में 2 स्टेप ऊपर आया, सो दो जंप के बाद मंकी कहां पर है? यहां पर है, ओके, ठीक है। अब थर्ड जंप की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड जंप में 2 ऊपर आ गया, ठीक है। अब थर्ड जंप जब लेगा वो, देखिए अब मंकी तो यहां पर आ गया ना, चलिए अब यहां से भी रेस कर देते हैं मंकी को, ठीक है, ये सब भी रेस कर देते हैं, ये भी रेस कर देते हैं, क्योंकि दो जंप के बाद मंकी अब यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब थर्ड जंप अगर लेगा वो, सो 1 2 3 तीन स्टेप नीचे आया, थर्ड जंप में फिर से तीन स्टेप नीचे आया, ओके, और फिर फोर्थ जंप में फिर से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर से 2 स्टेप यानी कि 1 2 फर्स्ट यहां पर आएगा, सेकंड यहां पर आएगा, सो मंकी इज हेयर। कब? जब उन्हें थर्ड जंप ली, 3 स्टेप नीचे आया, फोर्थ जंप ली तो 2 स्टेप ऊपर गया, सो फोर्थ जंप के बाद मंकी कौन से स्टेप पे बैठा हुआ है ना? ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप पे बैठा हुआ है, थर्ड स्टेप पे बैठा हुआ है मंकी, ठीक है ना। फोर्थ जंप के बाद मंकी कहां पर बैठा हुआ है? थर्ड स्टेप पे, ओके, अगेन वो फिफ्थ स्टेप लेता है, फिफ्थ जंप लेता है अगर वो, अब क्या करेगा मंकी? फिफ्थ जंप लेगा, ठीक है, फिफ्थ जंप, तो फिफ्थ जंप में क्या करेगा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिफ्थ जंप में कहां पर आया? यहां पर आ गया, ठीक है। और जब सिक्स जंप लेगा तो 1 2 ये नीचे जा रहा है मंकी, ये ऊपर आ रहा है मंकी हर स्टेप में। फिफ्थ जंप में क्या हुआ कि 1 2 3 स्टेप नीचे उतरा और सिक्स जंप में कहां पर आ गया? फिर से 2 स्टेप ऊपर आ गया, तो सिक्स्थ जंप के बाद मंकी कहां पर है? फोर्थ स्टेप पर। नाउ मंकी इज हेयर कहां पर? फोर्थ स्टेप। कब? सिक्स्थ जंप के बाद मंकी कहां पर आ गया? फोर्थ स्टेप पर आ गया। सो अब इसे मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर वाले को इसे भी मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि मंकी अब आ गया है फोर्थ स्टेप पर, ठीक है ना, कितने के बाद? सिक्स्थ जंप के बाद। चलिए इसे भी कर देते हैं और इसे भी कर देते हैं। अभी सेवंथ मंकी क्या लेगा? सेवंथ जंप लेगा। तो सेवंथ जंप में कहां पर आ जाएगा? 1 2 3 सेवंथ जंप में कहां पर आ गया मंकी? 1 2 3 तीन स्टेप नीचे आया और जब वो एट जंप लेगा तो
तो टू स्टेप बैक, दो स्टेप ऊपर चलेगा ना वो, क्योंकि हर जंप में तीन स्टेप नीचे आ रहा है, दो स्टेप ऊपर आ रहा है, तो सेवंथ जंप में तो वो तीन स्टेप नीचे आया, और एट्थ जंप में, एट्थ जंप में कितना आया, दो स्टेप ऊपर आया, तो जब वो दो स्टेप ऊपर आया कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ फिफ्थ स्टेप पर आ चुका है वो, अभी तक इतनी जंप लेने के बाद वो फिफ्थ स्टेप पर आ चुका है। सो अभी फिर हमसे फिर हम वही लिखेंगे कि नाउ मंकी इज ऑन फिफ्थ स्टेप, नाउ मंकी इज ऑन फिफ्थ स्टेप, हियर एम ओ एन की वाई इज हियर। एट जंप के बाद मंकी कहां पर है, फिफ्थ स्टेप पर है, नाइन्थ जंप आ गया, नाइन्थ जंप, नाइन्थ जंप के बाद मंकी कहां पहुंचेगा देख लेते जल्दी से, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, नाइन्थ जंप के बाद मंकी आ गया यहां पर, मंकी आ गया यहां पर, ओके। सो अभी क्या होगा, टेंथ, टेंथ जंप, टेंथ जंप, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि ऊपर वाला जैसे कॉपी किया है इसे, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, इसी तरह से टेंथ जंप में कहां पर आ जाएगा, ऊपर, वन टू, टेंथ जंप में मंकी कहां पर आ गया, सिक्स्थ स्टेप पर, सिक्स्थ स्टेप पर आ गया मंकी, कब, टेंथ जंप के बाद, टेंथ जंप के बाद मंकी नाउ इज हियर, मंकी इज हियर, कब, कब मंकी जो है सिक्स स्टेप पे कब आया है, टेंथ जंप के बाद, क्योंकि नाइन्थ जंप पे यहां पर आया था और टेंथ जंप में दो स्टेप बैक आया ना, सो यहां पर क्या है, ये सिक्स स्टेप है, ठीक है ना, फर्स्ट ये है, सेकंड स्टेप ये है, सेकंड स्टेप, सेकंड ये है, थर्ड स्टेप ये है ना, फोर्थ स्टेप ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, ठीक है ना, तो टेंथ जंप के बाद मंकी कहां पर आ गया है, सिक्स्थ स्टेप पे आ गया, अब क्या हो रहा है, इलेवेंथ जंप लेगा, इलेवेंथ जंप लेगा, इलेवेंथ जंप, और जैसे ही वो इलेवेंथ जंप लेगा, जैसे ही वो इलेवेंथ जंप लेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, मंकी वाटर लेवल पे पहुंच चुका होगा, कैसे, देखिए वन टू थ्री, और नाइन्थ स्टेप पे तो मेरा वाटर लेवल है, ठीक है ना, इलेवेंथ जंप जैसे ही लेगा, इलेवेंथ जंप जैसे ही लेगा मंकी, तो वन टू थ्री, जैसे ही इलेवेंथ जंप लिया उनने, वैसे ही वो कहां पहुंच गया, नाइन्थ स्टेप पर, और नाइन्थ स्टेप पर ही मेरा वाटर लेवल है, बात समझ में आ रही है। सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि मंकी को टोटली इलेवेंथ टाइम क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, कि ताकि वो स्टेप वन से स्टेप नाइन तक पहुंच जाए, बात समझ में आ रही है आपको, कि मंकी को इलेवन टाइम्स जंप करना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट स्टेप से नाइन्थ स्टेप पर पहुंच जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल है और इसीलिए थोड़ा ट्रिकी है, क्या है कि पहला स्टेप वो ले रहा है, देखिए बात समझने की कोशिश करिए कि पहला स्टेप जब वो ले रहा है तो तीन स्टेप, पहला जंप जब वो ले रहा है तो तीन स्टेप नीचे आ जा रहा है, दूसरा जंप जब ले रहा है तो दो स्टेप ऊपर जा रहा है, फिर से एक जंप लिया तीन स्टेप नीचे, दूसरा जंप लिया दो स्टेप ऊपर, तीसरा जंप लिया तीन स्टेप नीचे, चौथा जंप लिया दो स्टेप ऊपर, सो ये पूरा साइकिल चल करके इलेवेंथ स्टेप तक आएगा, इलेवेंथ जंप तक आएगा, ये पूरी साइकिल चल करके इलेवेंथ जंप तक आएगी कि वो फर्स्ट स्टेप से नाइन्थ स्टेप तक पहुंच जाएगा, तो टोटली इलेवन नंबर ऑफ जंप, सो नंबर ऑफ जंप, नंबर ऑफ जंप इज 11, मंकी को 11 जंप लेने पड़ेंगे वो फर्स्ट स्टेप से नाइन्थ स्टेप तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है,
सेकंड पार्ट जरा एक बार देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वॉटर ही वेंट टू गो बैक फॉर दिस ही जम्प फोर स्टेप अप। देखिए पहले पार्ट में क्या था कि वो तीन स्टेप डाउन आ रहा था, दो स्टेप ऊपर जा रहा था। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि उसने यहां से पानी पी लिया है, यहां से पानी पीने के बाद वो चार स्टेप ऊपर जा रहा है। हर एक जंप में चार स्टेप ऊपर जाएगा और दो स्टेप पीछे आएगा एंड बैक टू स्टेप डाउन इन एवरी जंप। ओके, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप। ठीक है, क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है देखिए जल्दी से। चलिए समझते हैं बात क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये मैंने कर दिया इरेज। ठीक है, मैंने स्टेप्स भी लिख देता हूँ। ये सेवंथ स्टेप है, ये सेवंथ स्टेप है, ये एट्थ स्टेप है और ये नाइन्थ स्टेप। ठीक है ना, क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट बोल रहा है कि मंकी ने पानी पी लिया, बंदर ने पानी पी लिया। अब वो क्या कर रहा है कि चार जंप तो ऊपर जाएगा एक जंप, चार स्टेप तो ऊपर जाएगा एक जंप में और दो स्टेप नीचे आएगा दूसरे जंप में। तो दो जंप लगाने पड़ेंगे उसे दो स्टेप चढ़ने के लिए, दो जंप लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि पहले जंप में कितना आया, चार स्टेप ऊपर आ गया, दूसरे जंप में कितना गया, दो स्टेप नीचे चला गया। तो पहले चार चला और दो उतर गया तो फोर माइनस टू इज टू, तो यानी कि एक जंप में उसने दो स्टेप ट्रेवल किया है, एक जंप में दो स्टेप ट्रेवल किया है क्योंकि पहले जंप में चार स्टेप और दूसरे जंप में दो स्टेप वापस आ गया। चलो लिखते हैं फिर से इसे क्वेश्चन को करते हैं फिर से, पार्ट सेकंड को फिर से कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अभी मंकी यहां पर है तो उसने पहला जंप लिया तो वन टू थ्री फोर। सो इन फर्स्ट जंप पे कहां पर आ गया, वो आ गया फिफ्थ स्टेप। फर्स्ट जंप में फिफ्थ स्टेप पे आ गया और सेकंड जंप। तो जब उन्हें सेकंड जंप लिया तो यहां से अब ये तो ऊपर की तरफ चला पहले, अब बैकवर्ड भी जाना है उसे दो स्टेप, तो एक दो यानी कि वो एक दो। तो सेकंड जंप में कहां पर आ गया, वो सेवंथ स्टेप पे आ गया। ठीक है ना, देखिए समझिए ना कि पहले जंप में चार स्टेप ऊपर गया, ठीक है ना, बंदर यहां मंकी यहां पर है। अभी सेकंड जंप लेगा तो दो स्टेप वापस भी आना है उसे, तो वन टू स्टेप वापस आया, तो सेकंड जंप में वो दो स्टेप पीछे आ गया। तो जब उसने सेकंड जंप किया तो मंकी फाइनली पहुंचा सेवंथ स्टेप पर पहुंचा ना, यहां पर सेवंथ स्टेप पर। सो मंकी नाउ इज हियर, MON मंकी इज हियर, कहां पर, सेवंथ स्टेप पर। ठीक है ना, अब थर्ड जंप की बारी है, थर्ड जंप कहां पर पहुंचेगा मंकी, कहां पर पहुंचेगा देखिए, इसे रेस कर देते हैं, इसे भी रेस कर देते हैं, ठीक है ना, इसे भी रेस कर देते हैं, ये भी कर देते हैं और इसे भी कर देते हैं। चलिए अब यहां पर है सेवंथ स्टेप पर है सेकंड जंप के बाद, जो थर्ड जंप लिया उसने तो वन टू थ्री फोर, मंकी पहुंचा थर्ड स्टेप पर, थर्ड जंप के बाद मंकी पहुंचा थर्ड स्टेप पर पहुंचा, कब, थर्ड जंप के बाद। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ आया है ना, अब क्या करेगा, नीचे भी जाएगा ना, दो स्टेप उसे नीचे भी जाने है ना, मंकी को दो स्टेप नीचे भी जाने है ना, तो अभी थर्ड स्टेप पर है, थर्ड स्टेप से दो स्टेप नीचे उतरेगा तो फोर्थ जंप आ जाएगी यहां पर, फोर्थ जंप में दो स्टेप नीचे उतरेगा ना, सो फर्स्ट यहां पर और सेकंड यहां पर। सो फाइनली मंकी कहां पर पहुंचा, फिफ्थ स्टेप पर, फोर्थ जंप के बाद मंकी पहुंचा फिफ्थ स्टेप पर, कब, फोर्थ जंप के बाद, क्योंकि थर्ड पे था, दो स्टेप नीचे उतरेगा, वन टू, सो
सो फोर्थ जंप के बाद मंकी पहुंचा फिफ्थ स्टेप पर, ठीक है ना। चलिए फिर से अब एक जंप और लेगा, वो फिर से क्या लेगा, एक जंप और लेगा, कहां से लेगा, सो मंकी इज फाइनली ऑन फिफ्थ स्टेप, कब, फोर्थ जंप के बाद। तो यहां लिख लेते हैं फिर से, मंकी मंकी इज हियर, और पीछे जो था उसे इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये सब इरेज हो जाना है, चलिए ठीक है, ठीक है। सो फोर्थ जंप के बाद मंकी कहां पर पहुंच गया है, फिफ्थ स्टेप पर पहुंच गया है। अब वो फिफ्थ जंप लेने वाला है, फिफ्थ जंप लेगा कहां से, फिफ्थ स्टेप से। सो वन टू थ्री फोर, बात समझ में आई, फिफ्थ जंप जैसे ही लिया उसने तो मंकी टॉप पर पहुंच गया भाई, फोर्थ स्टेप ऊपर चला, कहां सर, फिफ्थ स्टेप पर था। जब उसने फिफ्थ जंप लिया तो उसने चार स्टेप ऊपर मूव करा, तो जब उसने ऊपर मूव किया फिफ्थ स्टेप में तो क्या हुआ, वन टू थ्री फोर, तो जैसे ही उसने फिफ्थ जंप लिया तो वो टॉप मोस्ट स्टेप पर पहुंच गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया। सो फर्स्ट स्टेप, तो क्या अब हमें सिक्स जंप लेने की जरूरत है, सिक्स जंप की नीड है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर पहुंचाना था मंकी को, मंकी को फर्स्ट स्टेप पर पहुंचाना था और हम वो कर चुके हैं, कितने जंप में, पांच जंप में, बात समझ आ रही है। सो हमें अभी दो स्टेप उसे नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, दो स्टेप नीचे उतारने की नीड नहीं है, क्योंकि वो फाइव जंप में फर्स्ट स्टेप तक पहुंच गया, बात समझ आ गई। सो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, कि उसको पांच जंप लेने की जरूरत है कि वो नाइन्थ स्टेप से फर्स्ट स्टेप तक आ जाए, बात समझ में आ गई। सो नंबर ऑफ जंप इज फाइव, तो उसे पांच जंप लेने पड़ेंगे ताकि वो नाइन्थ स्टेप से फर्स्ट स्टेप तक आ जाए। आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, अगर फिर भी कोई पार्ट या फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको कराने की कोशिश करूंगा पहले, बट ये जो मैंने आज कराया है पहले इसे क्लियर कर ले, ठीक है ना। पार्ट वन में आपको 11 जंप लगे थे फर्स्ट स्टेप से नाइन्थ स्टेप तक आने के लिए, और सेकंड पार्ट में आपको 5 जंप लगे हैं ताकि जो मंकी है हमारा नाइन्थ स्टेप से फर्स्ट स्टेप तक आ जाए, ठीक है। जल्दी से थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका, देन वाइंड अप करते हैं इस पार्ट को और एक्सरसाइज 1.1 को भी, ओके। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट इन हिज मूव इन पार्ट वन एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ए में क्या कह रहा है। चलिए तो अभी इसे मैं पूरा रफ कर देता हूं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। चलिए अभी इसे मैं रफ कर देता हूं और पार्ट थ्री की तरफ मूव करते हैं, पार्ट थ्री करके इस पार्ट को और इस एक्सरसाइज 1.1 को वाइंड अप कर देते हैं, ओके, खत्म करते हैं। तो पार्ट बी हम कर चुके हैं, पार्ट सी की तरफ हम बढ़ते हैं, पहले एक बार रीड कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट इन हिज मूव इन पार्ट वन एंड टू बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, दैट इज पार्ट ए माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, बी इज 4 माइनस 2 प्लस इज इक्वल टू 8, इन ए द सम इज माइनस 8, रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो वॉट विल बी द सम 8 इन बी पार्ट रिप्रेजेंट, ठीक है। सो पार्ट सी बेसिकली क्या कह रहा है, पार्ट सी कह रहा है कि जो मंकी ने सॉरी आज थोड़ा सा मेरा गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो उसके लिए माइंड वर्क करना, ठीक है ना। सो पार्ट सी में क्या कह रहा है कि जो मंकी ने जो स्टेप्स
नीचे की तरफ चले हैं उसे वो माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पार्ट वो ऊपर की तरफ चल रहा है उस जो स्टेप जो ऊपर की तरफ चल रहा है उस स्टेप को वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बोल क्या रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है पार्ट वन में, पार्ट ए में लिखा हुआ है दैट इज माइनस थ्री प्लस टू अगेन माइनस थ्री अगेन प्लस टू डैश 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 इज इक्वल्स टू माइनस एट। तो क्या कह रहा है भाई, जो मंकी ने जो नीचे की तरफ स्टेप चले वो नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मंकी ने ऊपर की तरफ स्टेप चले वो पॉजिटिव, फिर अगेन नीचे की तरफ चले सो नेगेटिव, अगेन ऊपर की तरफ चला है तो पॉजिटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसका जब हम पूरा इक्वेशन 11 जंप का इक्वेशन जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इसका फाइनली जो आंसर आने वाला है माइनस एट आने वाला है। पार्ट सी ये कह रहा है कि अगर हम 11 जंप हमें लगे थे ना फर्स्ट स्टेप से नाइन्थ स्टेप तक जाने में 11 जंप हमें लगे थे तो हम 11th जंप का ये पूरा इक्वेशन अगर राइट डाउन कर लेंगे ऐसे जैसे हमने डैश 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 कर दिया है तो पूरा राइट डाउन कर लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर माइनस एट आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो माइनस एट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी एट स्टेप डाउनवर्ड चला है, मतलब नीचे की तरफ चला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नेगेटिव इंटीजर है उसका क्या मतलब है कि मंकी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब स्टेप में नीचे की तरफ जा रहा है। सो माइनस एट इज रिप्रेजेंटेड दैट द मंकी इज स्टेप डाउन बाय एट स्टेप, मतलब वो जो मंकी है आठ स्टेप नीचे की तरफ गया है, माइनस एट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो पार्ट बी इसका लिखा हुआ है, पार्ट बी लिखा हुआ है, पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, पार्ट बी में मंकी क्या कर रहा था, जो पार्ट बी था उसमें मंकी क्या कर रहा था, उसमें फोर स्टेप प्लस फोर स्टेप, क्योंकि एक जंप में वो क्या कर रहा था चार स्टेप ऊपर की तरफ चल रहा था, सेकंड जंप में दो स्टेप नीचे आ रहा था, अगेन फोर जंप में ऊपर जा रहा था, अगेन जंप में वो माइनस टू नीचे आ रहा था। तो ऐसे कर करके जो इसका ओवरऑल आंसर आएगा आप करके देखिएगा, आप जो 11 जंप का ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो माइनस एट आंसर आएगा। आप इसे 5 जंप, क्योंकि पार्ट बी में क्या हुआ था उसे कितने जंप चाहिए थे, 5 जंप चाहिए थे स्टेप 9 से स्टेप 1 तक आने के लिए। सो अगर आप ये इक्वेशन 5 जंप के लिए लिखेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे पार्ट ए में माइनस एट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी जो है 8 स्टेप नीचे की तरफ गया है, सो सेकंड पार्ट में जो प्लस एट जो इस सब का सम आया है जो प्लस एट आया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि मतलब माइनस एट जब वो नीचे गया है यानी कि नेगेटिव इंटीजर क्या शो कर रहा है कि जो हमारा मंकी है नीचे की तरफ जा रहा है, बट अगेन क्या है कि प्लस का एट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो प्लस का एट रिप्रेजेंट करेगा कि जो मंकी है नाइन्थ स्टेप से ऊपर की तरफ फर्स्ट स्टेप पे आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही पूछा है कि जो सम प्लस का एट आया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो ये ऑब्वियस एंड इनफ है कि जो प्लस एट आया है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि मंकी ऊपर की तरफ चल रहा है, मंकी ने एट स्टेप ऊपर की तरफ चल रहा है। जो माइनस वाला जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी एट स्टेप नीचे की तरफ चला है, प्लस वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मंकी एट स्टेप ऊपर की तरफ चला है। सो दिस इज द पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा और क्वेश्चन को जरा ध्यान से जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे थोड़ा ध्यान लगाकर समझेंगे तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन 10 समझ में आ जाए। सो ये तीन पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 10 में जो कि आज खत्म हो गए हैं। तो गाइज हम एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट कर चुके हैं। इन क्वेश्चनों से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो भी होमवर्क, ओके एक चीज भूल रहे हैं हम गाइज, एक चीज भूल रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस फिर खत्म करते हैं इस सेशन को। होमवर्क मैंने आपको बताया था कि मैं आज होमवर्क देने वाला हूं आपको, होमवर्क मैं आज देने वाला हूं मैंने बताया था आपको,
होम वर्क। क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर हमारा एक तो मैजिक स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था मैजिक स्क्वायर कि आपको बताना था, मतलब एक क्वेश्चन जो दो पार्ट थे ना मैजिक स्क्वायर में, एक पार्ट मैं कर चुका था और मैंने बोला था कि एक पार्ट आप मुझे करके बताएंगे कि वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं, है ना। एक तो एक क्वेश्चन तो ये है आपका होमवर्क में। सेकंड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट था जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट टू एंड पार्ट फोर, आपका होमवर्क था, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, वो वेरीफाई करने वाला करवाया था ना, तो वो फर्स्ट और थर्ड तो मैंने करवा दिया था आपको, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन मैंने एक दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर नाइन में पार्ट बी पार्ट सी एंड पार्ट डी आपका होमवर्क है, जिसमें हमें बताना था कि स्टेटमेंट टू कैसे होगी, ग्रेटर साइन लगा के, लेसर साइन लगा के या इक्वल का साइन लगा के। सो पार्ट बी सी और डी आपका होमवर्क होने वाला है, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट ई में करा चुका था। ओके स्टूडेंट, सो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क में दिए हैं, जिनका आंसर मैं आपसे मांगूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिनका आंसर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला भी हूं और आप खुद करेंगे घर पे बैठकर, और अपना जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट में लिखूंगा हर किसी के, और देखते हैं कि किसके क्वेश्चन जो है सही होने वाले हैं और किसकी जहां पर कोई गड़बड़ होगी या कोई आंसर गलत होगा, तो वो जो आंसर है मैं इस क्वेश्चनों के आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। बट करिएगा जरूर, करना जरूर है अपने क्वेश्चन, ये तीनों करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, मैं चेक करूंगा हर किसी का, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है, ये आज एक्सरसाइज 1.1 का एंड हो गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, आपको फाइंडिंग करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू।